हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, आईबीपीएस की आरआरबी के जिन जिन कैंडिडेट यहाँ पर जो है एप्लीकेशन किया था, तो उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुका है। तो उनका यहाँ पर पीईटी का एडमिट कार्ड पब्लिश कर दिया गया है। तो सभी यहाँ पर जो ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 और जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज था, तो इन दोनों का ही जो है एडमिट कार्ड को पब्लिश कर दिया गया है पीईटी के लिए। दोस्तों, यहाँ पर पीईटी के मतलब होता है प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, जो कि एससी एसटी माइनॉरिटी और जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यहाँ पर दे सकते हैं। तो कैसे आप लोग को डाउनलोड करना होगा, इसके लिए आप लोग जो चले आना होगा, तो यहाँ पर जो वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को आना होगा। इसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, ये जो आप है देख रहे हैं, ये सिर्फ यहाँ पर जो है ऑफिसर स्केल 1, 2 से मतलब यहाँ पर से है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग क्वालिटी यहाँ पर पब्लिश कर दिया गया है, जो कि एससी एसटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए है। तो जिनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं 15/7/19 से लेकर 26/7/19 के बीच में। तो जिसके लिए आप लोगों को करना होगा कि यहाँ पर आप लोगों को लॉग इन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ देना होगा। तो इन सभी को देने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आप लोग देख रहे हैं, इसको यहाँ पर आप लोग लिखना होगा। तो उसको उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो है लॉगिन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का था, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को जो इस वेबसाइट में आना होगा आप लोगों को। तो इसका भी लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों, ये सिर्फ यहाँ पर एससी एसटी, उसके बाद माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसके बाद एक सर्विसमैन, उसके बाद यहाँ पर पर्सनल विद बेंबर डिसेबिलिटी, तो इन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग रखा गया है, जिसके लिए आप लोग जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर आप लोग को 15/7/19 से लेकर 2/8/2019 के बीच में आप लोग जो है इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहाँ पर लॉगिन करना होगा, जिसके लिए यहाँ पर आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आप लोग देख रहे हैं, इसको यहाँ पर आप लोग लिखना होगा। तो इन सारे को लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर जो लॉगिन वाला ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप लोग को लॉगिन करना होगा। दोस्तों, आप अगर यहाँ पर पासवर्ड भूल गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग को फॉरवर्ड पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग जो है नया पासवर्ड बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करनी थी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।